अस्सलाम वालेकुम। इकोनॉमिक रिव्यूज के साथ मैं हूं सैयद अली खान और आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं एशियन ट्रेड टीवी के ताबून से। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है आईएमएफ की कंडीशंस, मिनी बजट का पास होना और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की इकोनॉमी का बैन। जैसा कि आपको मालूम है कि हाल ही में नेशनल असेंबली से मिनी बजट पास हुआ और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की इकोनॉमी का बिल पास हुआ। अभी ये सेनेट में जाएगा, उसकी मंजूरी के बाद ये इस बजट को अमली जमा बनाया जाएगा। मगर ये मिनी बजट है क्या, ये मालूम होना चाहिए कि ये मिनी बजट है क्या और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की इकोनॉमी का बिल, ये इसके मायने क्या है। अगर हम बात करें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की इकोनॉमी से, क्योंकि वो बहुत अहम है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसका मतलब ये है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को खुद मुख्तार किया जाए, जिस पर हुकूमत का जोर या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जोर कम से कम हो। अब देखना ये है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की इस इकोनॉमी के बिल के बाद ऐसी कौन सी खुद मुख्तारी है जो पहले नहीं थी। तो वो दो एक ऐसी कंडीशंस हैं जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अब उसका अपना इख्तियार होगा उसको उसको जो है वो प्रैक्टिकल करने में। एक जो सबसे अहम इसमें पावर है वो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को मज़ीद कोई बोरोइंग नहीं करी जाएगी, कोई स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान लैंड नहीं करेगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। ये एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं डिसीजन है, क्योंकि ज़ाहिर है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान को कम सूद पर जो है वो बोरो करने की इजाज़त देता था। अब जब ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान प्राइवेट बैंक्स के पास जाएगी तो ज़ाहिर है कि, और वो ये जा भी रही है, तो उसकी जो बोरोइंग कॉस्ट है उसमें इजाफा हो भी रहा है और आगे भी होगा अगर ये जो बोरोइंग का सिलसिला है ये नहीं थमता। इसके अलावा जो सबसे अहम दूसरी एक जो पावर है जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को मिल चुकी है सीनेट से पास होने के बाद इन बिल्स के, जो मिलेगी उसमें जो वो है एक्सपोर्ट रीफाइनेंस स्कीम। एक्सपोर्ट रीफाइनेंस स्कीम मिलती है एक्सपोर्टर्स को जब वो एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस करते हैं, तो उसका 50% की एक लिमिट होती है, वो लिमिट बैंक्स के थ्रू उनको रीफाइनेंस किया जाता है। ये रीफाइनेंस की जो बॉरोइंग होती है ये जो एक्सपोर्टर्स लेते हैं वो 3% के इर्द गिर्द होती है, जो कि नॉर्मल बॉरोइंग कॉस्ट जो कि 10-11% है उससे 3 गुना कम होती है। अब ये एक्सपोर्टर्स कौन हैं? तो 55-60% एक्सपोर्टर्स जो हैं वो तो टेक्सटाइल यूनिट्स हैं। अब टेक्सटाइल यूनिट्स की कॉस्ट जो है वो इंक्रीज करेगी, ज़ाहिर है कि जो उनकी बॉरोइंग कॉस्ट है वो इंक्रीज करेगी। अब जब बॉरोइंग कॉस्ट टेक्सटाइल सेक्टर की इंक्रीज करेगी तो अल्टीमेटली उनके नेट प्रॉफिट मार्जिन जो हैं वो श्रिंक करेंगे। मगर ये भी याद रहे कि कॉटन प्राइसेस ऑल टाइम हाई 20,000 पर मंथ के हिसाब से इस वक्त मार्केट में फ्लोट हो रही है। 20,000 पर मंथ जो है ये आज से सिर्फ 1-1.5 साल पहले 10,000 पर था, यानी डबल हो गई है प्राइसेस इनपुट कॉस्ट, डबल हो गई प्राइसेस कॉटन की जो इनपुट कॉस्ट के तौर पर टेक्सटाइल यूनिट इस्तेमाल करता है। इंटरनेशनल कमोडिटी मार्केट जो है वो उसमें शदीद इन्फ्लेशन है और वहाँ से भी जो कॉटन प्राइसेस हैं वो कम नहीं है। तो अल्टीमेटली टेक्सटाइल यूनिट्स को जहाँ इनपुट कॉस्ट में इजाफे का सामना है, वहीं पर एक्सपोर्ट रीफाइनेंस स्कीम्स अगर कर्टेल करता है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कम करता है या उसको ख़त्म कर देता है, तो उसका बहुत बड़ा जो असर है वो टेक्सटाइल यूनिट्स और इसके साथ साथ दूसरे एक्सपोर्टर्स जो कि इस फाइनेंस रीफाइनेंस स्कीम से फ़ायदा उठा रहे थे उनको पड़ेगा। इस रीफाइनेंस स्कीम के साथ साथ लॉन्ग टर्म स्कीम्स भी दी जाती थी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की कोलेबोरेशन से, और वो ये होता था कि किसी एक्सपोर्टर ने अपनी मशीनरी को रिवैम्प करना है, उसको इंक्रीज करना है, अपनी कैपेसिटी को, अपनी प्रोडक्शन एफिशिएंसी को इंक्रीज करना है, तो वो ये LTFF जो कि लॉन्ग टर्म फाइनेंस फैसिलिटी है वो लेता था
और वो भी 3 से 4% 5% के ऊपर आपको 10 साल के लिए मिल जाती थी। अमूमन बैंक्स 5 साल के लिए लोन दे रहे होते हैं और वो 10-12-13% होता है, तो अगेन 2.5 to 3 times आपकी बॉरविंग कॉस्ट इंक्रीज कर जाएगी और उसकी मुद्दत कम होने की वजह से उसकी जो किस्तों की जो हुजम है उसमें इजाफा होगा, वो अगेन कैश फ्लो कंस्ट्रेंट्स का सामना करना पड़ेगा एक्सपोर्टर्स को। तो अल्टीमेटली ये दो इंतहाई अहम जो शिकें हैं, पावर्स हैं जो हकूमतें पाकिस्तान स्टेट बैंक को पाकिस्तान के साथ मिलकर इस्तेमाल करती थी और अब जो है ये तमाम की तमाम पावर स्टेट बैंक को पाकिस्तान को मुख्तस कर दी गई है। इसके अलावा रोल ओवर्स जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो बॉरविंग है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से, उसको भी कदगन लगाई जा सकती है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो पहले से ली गई हैं, यानी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पैसे वापस करना पड़ेंगे और मैच्योरिटी। तो ये दो एक अहम शिकें हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हवाले से जिसको मैंने एक्सप्लेन किया। लेकिन इसके साथ साथ हम मिनी बजट पे बात करेंगे। मिनी बजट अपोजिशन के मुताबिक और अदाद शुमार जो बता रहे हैं 350 अरब की टैक्स एग्जम्पशंस की विड्रॉल है, यानी वो टैक्स एग्जम्पशंस कुछ सेक्टर्स को मिली हुई थी उनको विदड्रॉ कर लिया गया है। अब जब उनको विड्रॉ कर लिया गया है तो इसका मतलब ये हुआ कि इनपुट कॉस्ट भी इंक्रीज करेगी और जो फाइनल प्रोडक्ट पर टैक्स लगेगा उससे एंड प्राइस भी इंक्रीज कर सकती है जो एंड यूजर को ये सेक्टर्स पास ऑन करेंगे। ये एक बहुत अहम बात है। इनमें अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो GST टेक्सटाइल और शुगर की रॉ मटेरियल की सप्लाईज को पर लगाया गया है। मिसाल के तौर पे शुगर इंडस्ट्री, शुगर जो है वो कौन सी इंडस्ट्री इस्तेमाल करती है? जूस एंड बेवरेजेस। तो शुगर की सप्लाई जब जूस एंड बेवरेजेस की इंडस्ट्री को होगी तो उस पर 17% का GST लगेगा, जिससे यकीनन मशरूबात की जो कॉस्ट है उसमें इजाफा होगा और फिर एंड यूजर को वो प्राइस पास ऑन की जा सकती है। लेकिन अल्टीमेटली कुछ प्राइस जो है ये एब्जॉर्ब भी करेंगी कंपनियां, जिससे इन कंपनीज की जो प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन हैं वो श्रिंक करेंगे। फिर टेक्सटाइल रॉ कॉटन जब जिनर्स के थ्रू लेंगे और उसके बाद स्पिनिंग यूनिट्स के पास आएगी और आगे उसमें इजाफा होता जाएगा जब जो वैल्यू एडेड होती जाएगी, तो जब रॉ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को फराहम की जा रही होगी तो उस पर भी इस टैक्स का निफाज सामने आ रहा है। तो यकीनन इनपुट कॉस्ट यहाँ से भी इंक्रीज की गई। जैसा कि मैंने पहले बताया, एक तो एक्सपोर्ट रिफाइनेंस स्कीम्स ख़त्म हो रही हैं जिससे वर्किंग कैपिटल लाइंस उनकी बहुत महंगी हो जाएंगी इस्तेमाल करना। दूसरा, टेक्सटाइल के लिए कॉटन ऑलरेडी ऑल टाइम हाई प्राइसेस पर है, 20,000 पर मंथ, और अब ये GST जब इंक्लूड करेगा तो यकीनन इनपुट कॉस्ट में इजाफा होगा। अभी एक और न्यूज़ के मुताबिक वापडा की जो प्राइसेस हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस जो हैं, उसमें भी इजाफा हो सकता है। तो जब ये तमाम कंपैटिबिलिटी, रीजनल कंपैटिबिलिटी में टेक्सटाइल या एक्सपोर्टर्स जब कम्पीट नहीं कर पा रहे होंगे तो फिर अल्टीमेटली जो इन सेक्टर्स के मालिकान हैं, ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ये अल्टरनेटिव्स की तरफ जाएंगे। ये मुल्क के मफाद में हो सकता है लॉन्ग टर्म में, मगर शॉर्ट टर्म में एक्सपोर्टर को नुकसान होगा तो एक्सपोर्ट्स भी मुतासिर होंगी, यानी अल्टीमेटली बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर इसका प्रेशर डल सकता है। ये तमाम बजटरी इन्फ्लेशन जो इंक्रीज कर सकती है और ये जो बजटरी कंट्रोल्स लिए जा रहे हैं इस मिनी बजट के थ्रू और ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अटोनमी बिल के थ्रू, ये वो IMF की किस्त को, आखिरी किस्त को जो है वो सिक्योर करने के लिए लिए जा रहे हैं। मैं उस पर भी बात करूंगा कि वो क्यों जरूरी है, लेकिन बैक टू द 350 बिलियन टैक्स एग्जम्पशन विड्रॉल, अगर हम अगली बात करें
तो टैक्स एग्जम्पशन विड्रॉल्स हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया है कि लग्जरी आइटम्स पे लगी हैं, जिनमें अगर देखा जाए तो ज़्यादातर ऑटो सेक्टर को जो है उन्होंने इसमें हदफ बनाया है, क्योंकि ऑटो सेक्टर पर पहले कुछ टैक्सेस में छूट थी जिसको उन्होंने ख़त्म कर दिया है। FED 2.5% 800 cc गाड़ी तक लगाई गई है और उसके बाद ये 5-10 और फर्दर परसेंटेज में इंक्रीज करती है। मगर इस FED जो कि 2.5% 800 cc गाड़ियों पर लगाए जाने का बिल नेशनल असेंबली से मंजूर हुआ है, उसमें यकीनन एक मिडिल क्लास तबके के लिए ये लम्हा फिक्रिया होगा कि उसकी जो एंड यूज़र प्राइस है, ऑन रोड प्राइस है, उसमें इजाफा हो रहा होगा। इम्पोर्टेड व्हीकल्स पर GST लगा है। अब जाहिर है कि इम्पोर्टेड व्हीकल्स पर जब GST लगा तो उससे इम्पोर्टेड व्हीकल्स की जो इनफ्लो है पाकिस्तान में, उसमें उसको कंट्रोल किया जा सक रहा होगा। लोकल मैन्युफैक्चरिंग और असम्बलिंग प्लांट्स हैं, इधर से जो यूनिट्स निकलते हैं उनकी फ़रोख्त में इजाफा होगा। जब इम्पोर्टेड व्हीकल्स के इनफ्लो पाकिस्तान में कम होगा, फॉरेन एक्सचेंज की जो आउटफ्लो है उस पर भी कंट्रोल किया जा सकेगा। ये बात वाज़ह है कि फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर जो मेजर आउटफ्लो क्राइसिस था फॉरेन एक्सचेंज का, उसमें इम्पोर्टेड जो व्हीकल्स हैं ये इसका भी बहुत बड़ा हाथ। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो फार्मा सेक्टर के ऊपर जो इनपुट इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल है उसके ऊपर भी टैक्स लग की छूट जो है वो ख़त्म कर दी गई है, वो टैक्स लगा है। ये वो जीरो रेटेड रिजीम में आएगा जिसमें बाद में आप इस इनपुट टैक्स को जो है वो क्लेम कर सकते हैं। मगर शॉर्ट रन में जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उनकी जो ओवरऑल जो कैश फ्लोज हैं वो रिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब ये जो CSX रिफंडेबल है वो जब तक रिफंड नहीं होगा या एडजस्ट नहीं होगा अगले किसी टैक्सेशन में, तो ये इस जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होंगी उनका रिसीवेबल कंसिडर होगा। अब रिसीवेबल को फार्मास्यूटिकल कंपनीज बैंक से फाइनेंस करने की कोशिश करेंगी और अल्टीमेटली उनकी बॉरोइंग कॉस्ट में इजाफा होगा। और अब ये हुकूमत को चाहिए कि देखे कि ये बॉरोइंग में जो इजाफा होगा क्या वो आगे पास ऑन कर रही हैं या प्राइसेस में पास ऑन कर रही हैं या इसको एब्जॉर्ब कर रही हैं, क्योंकि अगर प्राइसेस में पास ऑन करेंगी तो यकीनन जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं उनकी कीमतों में बेशबहा इजाफा हो सकता है। हम आगे अगर बात करें तो इस हवाले से एक और बड़ी अहम चीज़ है, वो ये है कि हर महीने पर लीटर 4 रुपीज़ का जो पेट्रोलियम लिवाय है उसमें इजाफा करने की एक एग्रीमेंट है बिटवीन हुकूमत पाकिस्तान और IMF। अब देखना ये है कि IMF और जो IMF ने जो ये कंडीशन लगाई है कि पेट्रोलियम के ऊपर जो टैक्स है उसमें इजाफा किया जाए, तो क्या ये मुमकिन है हुकूमत पाकिस्तान के लिए कि आइंदा आने वाले दिनों में ये इजाफा करे, जबकि इंटरनेशनल जो क्रूड ऑयल प्राइसेस हैं वो भी $85 फी बैरल को क्रॉस कर रही हैं और ये प्रेडिक्शन की जा रही है जो $100 फी बैरल जो है इससे एक्सीड कर सकती हैं। तो इस इंक्रीमेंटल बिहेवियर में जो जो क्रूड ऑयल का है उसमें क्या पर लीटर 4 रुपये हर महीने इजाफा करना हुकूमत पाकिस्तान के लिए पॉसिबल होगा? तो मुझे लगता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 600 अरब रुपए फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए मुख्तस किए गए थे कि हम पेट्रोलियम टैक्सेस में यहाँ से ले सकते हैं, बट अब उसको रिवाइज किया गया, 300 बिलियन किया गया। मगर एक ताज़ा इतला के मुताबिक 5 महीनों में सिर्फ 56 अरब हम इससे हासिल कर सके हैं। इसका मतलब ये है कि इसके अलावा सोर्सिंग करनी पड़ेगी टैक्सेशन की, और अगर ऐसा ना किया गया तो अल्टीमेटली जो IMF के टारगेट्स हैं वो मीट नहीं हो पाएंगे। ये सब कुछ IMF के टारगेट्स, IMF की जो कंडीशंस हैं उनको मीट करने के लिए किया जा रहा है। अगर IMF की कंडीशंस मीट नहीं होती तो IMF पॉजिटिव असेसमेंट नहीं देगा और वो जो लास्ट इंस्टॉलमेंट या ट्रेंच है वो हमें नहीं मिलेगी, जो कि इस वक्त फौरी तौर पे शॉर्ट रन में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को जो अवॉइड करने के लिए बहुत ज़रूरी है।
अच्छा, इस क्या इस 1.2 बिलियन डॉलर्स, क्या ये वाकई में पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है? तो ऐसा नहीं है। इसके साथ साथ जब पॉजिटिव असेसमेंट आईएमएफ करेगा तो 3 to 4 बिलियन डॉलर के बॉन्ड्स और दूसरे इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो आईएमएफ की पॉजिटिव असेसमेंट को देख रहे हैं, और पाकिस्तान जो है बॉन्ड्स अपने इशू करके कुछ बिलियन डॉलर्स वहाँ से ले सकता है, और इसी तरीके से दूसरे जो फाइनेंशियल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ से भी बॉरविंग की जा सकती है, और इससे पाकिस्तान के जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है उस पर काफ़ी दबाव जो है वो हल्का होगा। और जाहिर है कि जब दबाव हल्का होगा तो डॉलर की कीमत जो है, डॉलर की पैरिटी जो है पाकिस्तान पी के आर से, वो उसमें बेहतरी आएगी। पी के आर कुछ एप्रिशिएट कर सकता है, जो अभी इस वक्त 178 and 179 तक टच कर गया पिछले दिन, और अभी कुछ मेजर्स किए गए हैं, कुछ कुछ ऐसे इकदाम उठाए गए हैं हुकूमत और स्टेट बैंक की जानिब से कि जो डॉलर है वो तकरीबन 176 और 77 के दरमियान में फ्लोट हो रहा है। मगर ये एक टेम्पररी कंडीशन है। अगर पाकिस्तान के जो फॉरेन इन्फ्लोज हैं वो फॉरेन एक्सचेंज इन्फ्लोज में बेहतरी नहीं आती तो डॉलर 180 से ऊपर भी जा सकता है। इस तमाम सूरत हाल को हुकूमत पाकिस्तान देख रही है, और उसको इसी वजह से इस चीज़ का अदराक है कि किसी भी तरीके से आईएमएफ की कंडीशन को मीट किया जाए। अब एक और चीज़ जो बड़ी अहम है कि सऊदी अरेबिया से जो डॉलर्स पाकिस्तान के करंट अकाउंट में रखाए गए हैं वो भी आईएमएफ की पॉजिटिव असेसमेंट से मुंसलिक हैं। इन केस अगर पाकिस्तान की असेसमेंट पॉजिटिव नहीं होती तो सऊदी अरेबिया उस उन डॉलर्स को फौरी तौर पर रिकॉल कर सकता है, और ये फर्दर डेंजरस हो सकता है पाकिस्तान की जो डॉलर वर्सेस पी के आर पैरिटी है उसके लिए। इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान को ये चाहिए कि बहुत संभल कर इसमें इकदाम उठाए। मिनी बजट का पास होना और स्टेट बैंक की इटोनॉमी बिल्कुल एक इस आईएमएफ की कंडीशन को मीट करने के लिए ज़रूरी तो है, मगर ये शॉर्ट रन इकदाम हैं। लॉन्ग टर्म में हमें देखना होगा कि हमें कौन से ऐसे करीबी ममालिक हैं या ऐसे कौन से ममालिक हैं जहाँ से हमें जो फॉरेन एक्सचेंज है उसकी अर्निंग मिल सकती है। अभी अगर लेटेस्ट बात की जाए, चाइना ने इस वक्त 676 बिलियन डॉलर के ट्रेड सरप्लस को रिपोर्ट किया है। ये हाईएस्ट है उसका 1994 के बाद। सी पैक को फोकस में रखें क्योंकि चाइना मजीद बढ़ेगा, चाइना मजीद आगे जाएगा, चाइना को मजीद ग्रोथ की तलब होगी, वो इस कॉरिडोर को इस्तेमाल करने के लिए बेचैन होगा। उसके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का एक और दो लगाएं ताकि पाकिस्तान अपनी एग्रीकल्चर को वहां पे बेच सके। पाकिस्तान जो है वो मुख्तलिफ दूसरी जो हमारे सेक्टर्स हैं उसकी जो प्रोडक्ट है उनको बेच सके। तो हमें इस वक्त अपनी एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ को बहुत ध्यान से प्रायोरिटाइज करना होगा ताकि हमें कम से कम इनपुट कॉस्ट, कम से कम फाइनेंस कॉस्ट को सामने रखते हुए ऐसे सेक्टर्स को फ़रोग दें जो पाकिस्तान के जो नेशनल एक्सचेकर है उसमें इजाफा कर सकें, फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज हो सकें। इसी के साथ अपने होस्ट सैयद अली इमरान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।